हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योर फर्स्ट डिज़ाइन। आज मैं आप लोगों के साथ वी नेक कुर्ती के कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। कुर्ती को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कॉटन फैब्रिक यूज़ किया है, जिसको मैंने 2.25 मीटर लिया है। कुर्ती के फैब्रिक को मैंने यहाँ पे फोर फोल्ड कर लिया है। फैब्रिक की ये ओपन वाली साइड है और दूसरी फोल्ड वाली साइड है। कॉलर वाली कुर्ती को बनाने के लिए हम कुर्ती के पीछे वाले पैनल को 1 इंच बड़ा रखते हैं, इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पे आपको फैब्रिक में 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, उसके बाद ही कुर्ते की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुर्ते की लेंथ वाइज ड्राफ्टिंग करूँगी। पहला निशान कुर्ते का आर्म होल का है। आर्म होल का निशान मैं यहाँ पे 7 इंच पे लगा रही हूँ। इसके बाद मैं कमर का निशान 14.5 इंच पे लगाऊंगी और हिप के लिए मैं 21 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब मैं यहाँ पे कुर्ते की लंबाई का निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं कुर्ते की लंबाई 44 इंच रेडी रखने वाली हूँ। आपको कुर्ते की लंबाई जितनी भी रेडी करनी है, उसमें 1.5 से 2 इंच का मार्जिन लेते हुए ही निशान लगाना है। इसके बाद आपको इन निशानों पे ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। कुर्ती का शोल्डर मैं यहाँ पे 7.5 इंच ले रही हूँ। आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग शोल्डर जितना भी हो उसका आपको हाफ लेना है। फ्रंट आर्महोल के लिए मैं यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। बैक आर्महोल मेरा 7.5 इंच पे ही है। अब इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे मैं आपस में मिला लूंगी। यहाँ पे मैं 36 साइज की कुर्ती बना रही हूँ, तो 36 को मैं 4 से डिवाइड कर लूंगी। उसके बाद उसमें 1/2 इंच ऐड करके 9.5 इंच पे यहाँ निशान लगाऊंगी। कमर के लिए मैं यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ। हिप भी यहाँ पे 36 इंच है, इसलिए मैं यहाँ पे 9.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब मैं यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन का निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं स्ट्रेट कुर्ती बना रही हूँ, इसलिए मैंने जितना हिप लिया है उतना ही कुर्ती का घेर ले लूंगी और इसके बाद मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगा रही हूँ। अब मैं यहाँ सारे पॉइंट को शेप देते हुए मिला लूंगी। आर्महोल की शेप के लिए मैं यहाँ फ्रेंच कर्व यूज कर रही हूँ। कुर्ती का शोल्डर मैं यहाँ पे 1 इंच डाउन कर रही हूँ और कुर्ती के नेक की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 3 इंच ली है। निशान लगाने के बाद अब मैं इन दोनों पॉइंट को तिरछा मिला लूंगी। अब मैं यहाँ पे कुर्ती का बैक आर्म होल ड्रॉ कर रही हूँ। कुर्ती के बैक आर्म होल की शेप भी मैं फ्रेंच कर्व से दे रही हूँ। आप हैंड से भी ड्रॉ कर सकते हो। अब मैं यहाँ कुर्ती के बैक पैनल पे 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए निशान लगा रही हूँ। अब मैं इन सारे निशानों को आपस में मिला लूंगी। यहाँ पे कुर्ती की फ्रंट और बैक पैनल दोनों की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब मैं इसे कट कर लूंगी। कट करते समय आपको ये बात ध्यान में रखनी है, पहले आपको बैक पैनल की ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग कटिंग करनी है। यहाँ पे कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसमें से बैक पैनल को अलग करके फ्रंट पैनल की भी कटिंग कर लूंगी। यहाँ पे कुर्ते के दोनों पैनल की कटिंग हो चुकी है। अब मैं कुर्ते की स्लीव्स को कट करूंगी। यहाँ पे मैंने स्लीव्स का फैब्रिक कट कर दिया है। स्लीव्स के फैब्रिक की लंबाई मैंने यहाँ पे 39 इंच ली है और चौड़ाई मैंने यहाँ पे 19 इंच ली है। यहाँ पे मैं फैब्रिक को फोल्ड करके 2 स्लीव्स के लिए 20 से कट कर लूंगी। कट करने के बाद मैंने यहाँ पे फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। ये स्लीव्स की ओपन वाली साइड है और ये ऑन फोल्ड वाली साइड है। स्लीव्स की लंबाई में आपको 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके कट करना है। यहाँ पे स्लीव्स की लंबाई 10 इंच से ज्यादा है, इसलिए मैं स्लीव्स की गोलाई के लिए 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं दोनों साइड 4 इंच पे निशान लगा लूंगी। इसके बाद मैं इसमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी। यहाँ पे स्लीव्स की गोलाई 10 इंच है, तो यहाँ पे मैं 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ।
इसके बाद मैं यहाँ पे एक तिरछी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लूंगी। और यहाँ पे मैं इस लाइन का सेंटर पॉइंट ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पे स्लीव्स का बैक आर्मोल का शेप ड्रॉ कर रही हूँ। और इसके बाद अब मैं फ्रंट आर्मोल का शेप ड्रॉ कर रही हूँ। कुर्ती का रेडी आर्मोल यहाँ पे 16 इंच है, इसलिए मैं यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब मैं इन दोनों निशानों को आपस में मिला लूंगी। कुर्ती में मैंने 1.5 इंच मार्जिन लिया था, इसलिए मैं स्लीव्स में भी 1.5 इंच मार्जिन ले रही हूँ। मार्जिन का निशान लगाने के बाद अब मैं स्लीव्स को भी कट कर लूंगी। स्लीव्स में पहले मैं यहाँ पे बैक आर्मोल कट कर रही हूँ, इसके बाद मैं स्लीव्स को ओपन करके फ्रंट आर्मोल भी कट कर लूंगी। यहाँ पे कुर्ते की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं कुर्ते का नेक लाइन कट करूंगी। कुर्ते के गले की चौड़ाई मैं यहाँ पे 3 इंच ले रही हूँ। 3 इंच पे निशान लगाने के बाद मैंने जो 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उसमें ऐसे शेप दे दूंगी। ये कुर्ते का बैक नेक लाइन है, अब मैं इसे कट कर लूंगी। यहाँ पे मैं फ्रंट नेक लाइन की भी चौड़ाई 3 इंच ले रही हूँ और नेक की लंबाई मैं यहाँ पे 8 इंच ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब मैं यहाँ नेक की लंबाई के बाद 3 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा रही हूँ और नीचे से गले की चौड़ाई के लिए यहाँ पे मैं 1/2 इंच से कम ले रही हूँ। यहाँ पे मैं 1/4 इंच ले रही हूँ। यहाँ पे मैं कॉलर की चौड़ाई 1 इंच रखने वाली हूँ। अगर आप कॉलर की चौड़ाई 1 इंच ले रहे हो तो यहाँ पे आपको 1/4 इंच ही चौड़ाई लेनी है। अब इन दोनों पॉइंट में मैं वी शेप ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे नेकलाइन बन चुकी है, अब मैं इसे कट कर लूंगी। यहाँ पे कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो चलिए अब स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बैक पैनल को सीधे साइड बिछा लिया है, उसके ऊपर मैं फ्रंट पैनल रख रही हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे शोल्डर स्टिच कर लूंगी। यहाँ पे कुर्ती के शोल्डर स्टिच हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे नेकलाइन को पूरा मेजर कर लूंगी। यहाँ पे मेरी कुर्ती के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नेकलाइन 30 इंच आया है, उसमें मैं 4 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कॉलर के फैब्रिक को कट कर लूंगी। यहाँ पे मैंने कॉलर के फैब्रिक को कट कर लिया है। फैब्रिक की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 3 इंच ली है, जिसमें स्टिचिंग मार्जिन भी ऐड है, और लंबाई मैंने यहाँ पे 34 इंच ली है। अब मैं यहाँ कॉलर पे ये वाइट कलर का लेस लगाऊंगी। लेस लगाने के लिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ते हुए ही लेस को अटैच करना है। यहाँ पे मैंने एक साइड लेस में स्टिच कर लिया है, अब मैं दूसरे साइड भी लेस में स्टिच कर लूंगी। यहाँ पे मैंने कॉलर में लेस को अटैच कर लिया है। अब मैं यहाँ कुर्ते के नेक के दोनों साइड छोटे छोटे कट लगा लूंगी। यहाँ पे कट आपको 1/2 इंच से कम लगाना है। कट लगाने के बाद अब मैं कुर्ती पे कॉलर को ऐसे रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लूंगी। यहाँ पे मैंने कुर्ती में कॉलर अटैच कर लिया है। अब कॉलर के एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की साइड पलटते हुए आपको एक स्टिच लगानी है।
कॉलर में स्टिच लगाने के बाद अब मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दूंगी। अब मैं फैब्रिक को सीधे साइड रखते हुए कॉलर में टॉप स्टिच लगा लूंगी। यहाँ पे कॉलर की फिनिशिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ कुर्ती के दोनों साइड फिटिंग का स्टिच लगा लूंगी। यहाँ पे मैंने कुर्ती में फिटिंग का स्टिच कर लिया है। अब मैं स्लीव्स को रेडी करूंगी। स्लीव्स को रेडी करने के लिए मैं यहाँ पे नीचे में जितना मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसको फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लूंगी। अब मैं स्लीव्स को उल्टे साइड फोल्ड करके फिटिंग का स्टिच लगा लूंगी। यहाँ पे स्लीव्स रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको कुर्ते से अटैच करूंगी। कुर्ते से अटैच करते समय आपको ये बात ध्यान में रखनी है, कुर्ते के जो फ्रंट आर्मोल की कटिंग की गई है उसमें आपको स्लीव्स के फ्रंट आर्मोल्स को अटैच करना है। यहाँ पे आपको दोनों स्लीव को ऐसे एडजस्ट करते हुए राउंड में स्टिच लगा लेना है। यहाँ पे स्लीव्स के एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको ऐसे एडजस्ट करते हुए फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे दोनों स्लीव्स मैंने अटैच कर ली हैं। कुर्ते के नेक में मैंने यहाँ पे जो 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था इसमें आप हुक और आई भी लगा सकते हो। मैं यहाँ स्टिच करने वाली हूँ। आप चाहो तो आप भी इसी तरह कुर्ते के नेक को स्टिच से लॉक कर सकते हो। यहाँ पे कुर्ते की नेकलाइन की फिनिशिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ कुर्ते के स्लिट्स को और बॉटम पार्ट को रेडी कर लूंगी। कुर्ते के स्लिट को रेडी करने के लिए आपको एक्स्ट्रा मार्जिन को फोल्ड करके स्टिच लगा लेना है और कुर्ती के बॉटम पार्ट में जितना भी आपने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा हो उसको आपको फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। यहाँ पे आप बॉटम पार्ट में पूरा तुरपन भी कर सकते हो। यहाँ पे कुर्ते की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।